हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यू हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों मिंट्रा एप्लीकेशन में कस्टमर केयर से बात कैसे करें। अच्छा दोस्तों, जैसा कि जो है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिंट्रा एप्लीकेशन में ऑर्डर कैसे करें, मिंट्रा एप्लीकेशन में जो है ऑर्डर कैंसिल कैसे करें। दोस्तों आपको पता होगा कि मिंट्रा ऐप जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग का जरिया है, जिससे हम जो है घर बैठे जो है उसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या है मिंट्रा एप्लीकेशन के अंदर, तो उस पर हमने जो है पहले ही वीडियो बना दी है कि किस तरह से आप जो है अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जो है किसी प्रकार की समस्या आती है और तो आप जो है चाहते हैं कस्टमर केयर से बात करना मिंट्रा एप्लीकेशन में, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है मिंट्रा एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपनी मिंट्रा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको जो है ओपन कर लेते हैं, तो आपके सामने जो है घर से ये पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से बात करनी है, आप यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे, तो आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके सामने इस प्रकार से ये पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, पहला ऑप्शन आपको ऑर्डर्स का मिलता है, दूसरा ऑप्शन आपको हेल्प सेंटर का मिलता है, तो आपको हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ सेकंड थोड़ा वेट करना है, फिर आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे आप इसको डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट रिफंड का ऑप्शन मिल जाता है, ऑफर डिस्काउंट, कूपन्स का, मैनेजर अकाउंट का, अदर का, मतलब आपको किस कैटेगरी की मतलब प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जो यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है नीचे वाले पे, तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने जो है यहाँ पे बहुत बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आई हैव एन इश्यू विद ऑफ, या बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फिर से। जैसे आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको जो है कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल मी बैक का, तो आपको इस कॉल मी बैक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉल मी बैक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो है आप जैसे कॉल मी बैक पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो है एक आप कस्टमर केयर की तरफ से खुद कॉल आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम दिया है 17 मिनट में जो भी है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है जो कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगी उसको आप जो है कौन से नंबर पे मंगवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करने का, आप जो है हिंदी में बात करना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो यहाँ से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे हिंदी में बात करने वाला, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या दोस्तों आप इसको जो है ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट कॉल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो जाती है। फिर आपके पास जो है कुछ 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जो है आपके पास कस्टमर केयर की कॉल आ जाएगी, उससे जो है आप अपनी बात जो भी आपको प्रॉब्लम है वो रख सकते हैं और आप जो है अपना सुझाव करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है मिंट्रा ऐप के अंदर कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।